गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम देवराज शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास एट इंग्लिश बुक टू इट शो हैपेंस चैप्टर टू पार्ट फोर सो लेट्स स्टार्ट सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट देखो वो एक बड़ी भवन या बड़ा बिल्डिंग जिसके चारों तरफ जो दीवार बना हुआ है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यदि तुम सावधान नहीं रहते हो यू विल सुन बी काउंटिंग बार्स देयर तो तुम तुरंत ही उन चार दीवारी के पीछे गिनती करते नजर आओगे गिनती की संख्या में नजर आओगे कहने का मतलब है यदि तुम सावधानी से नहीं रहोगे तुम भी उस बिल्डिंग में डाल दिए जाओगे डेल में डाल दिए जाएगा द गर्ल ग्राइंड लड़की मुस्कुराई ग्राइंड मीन्सूडेंट टू स्माइल विथ सोइंग ऑल फ्रंटियर तिथ यानी सामने के दांतों को दिखाते हुए हंसना को ग्राइन बोलते हैं एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग और उसने उंगली से इशारा करके उस बड़े बिल्डिंग पर दिखाया वेल्यू एस्क्ट एस्क्टेड एक्सक्टेड में तिरछी नज़र से देखना यानी टू तो लुक अ पर्सन विद विद्रिस एंड विद वन क्लोज आई और बोथ आइज पार्शियली क्लोज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मोर लाइट गेट इन टू द आइज वेलू एस्वी वेलू वहां तिरछा देखा एनिड तमिल साइन और तमिल साइन में पढ़ा सेंट्रल जेल यानी किन्द्रीय कारागार है वाई आई है मैंने तो कोई कुछ चीज गलत नहीं किया यू डोंट हैनीथिंग और तुम्हें ऐसा कोई गलत काम करना भी नहीं है जस्ट डोंट गेट गैट इतना ध्यान रखो कि तुम उसमें पकड़े ना जाओ दैट्स ऑल बस वाई डज वाट डज मीन उसका कहने का अर्थ क्या था क्या है मतलब क्या है वेलू अंडर वेलू ने थोड़ा बहुत अपने से प्रश्न किया उसको वो चकित हुआ जानना चाहा। या कि वो ऐसा क्यों कहती है मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज तब तक मील वाइन मीन्स तब तक तब तक लड़की जो है ऑलरेडी मतलब पहले ही ब्रिज से आगे आगे चलते हुए उतर चुकी थी विथ द शैक ऑन हर शोल्जर अपने शोल्डर पर यानी कि अपने कंधों पर वो पूरा पीछे का बैग लिए हुए शैक मीन्स बैग लड़की ब्रिज के नीचे उतर चुकी थी वॉट वॉज इन इट इसके अंदर क्या था

कैरी कर रही हो क्या डो रही हो थिंग्स बॉटल्स पेपर्स इसमें कुछ वस्तुएं हैं बोतल है और पेपर है वेलू वंडर्ड वेलू ने जानना चाहा व्हाट शी वाज डूइंग विथ देम यानी कि वो उत्सुक था कि आखिर वो उन चीज़ों का करती क्या है उन क्या करती थी बट लेकिन ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन लेकिन उसे और सारे क्वेश्चन करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इट वाज स्टिल मॉर्निंग ये अभी सुबह का ही समय था बट सन वाज ब्लास्टेड डाउन लेकिन सूरज काफी तीखी गर्मी बरसा रहा था ऑन द टार कोल टार पर डियर स्टूडेंट्स टार हेयर्स मींस मटेरियल थ्रू विच रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड यानी कि इसको हम अपनी भाषा में अलकतरा बोलते हैं उस पर जो है सूरज की गर्मी काफ़ी तेज गिर रही थी एंड बेलूज बेयर फेट वॉन्ट और बेलू के जो नंगे पैर थे वो जल गए थे इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड यानी कि यह या जो है कच्ची रोड पर चलने के जैसा नहीं था ही वॉज सूक्ड वीट स्वीट वो पसीनों में पूरी तरह से भींग गया था सोक्ड डमींद पूरी तरह से भींग जाना ही ट्राइड हार्ड टू वॉक वो पैदल चलने की बहुत कठिन कोशिश किया इन द शेड कभी सेड में एंड कीप अप विद द गर्ल और ऐट द सेम टाइम यानी कभी वो शेड में जाकर बैठता और फिर उस लड़की के साथ रफ्तार भी बनाए रखता था सी वॉक रियली फास्ट वो वास्तव में बहुत तेज चलती थी हाउ फार अवे वॉज द फूड अभी भी भोजन कितना दूर था आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग लगभग एक घंटे की पैदल चलने के बाद दे इस्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग वो लोग जो हैं एक बहुत बड़ी भवन के सामने रुके डियर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मींस के सामने श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंदापम रीड वेलू स्लोली वेलू ने धीरे धीरे पढ़ाई ये उस बिल्डिंग का नाम है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंदापम ये उस बिल्डिंग का नाम है जिसके सामने वो दोनों रुके थे मेड लेटर फ्लावर्स और वहीं पर एक संकेत बने थे शब्द लिखे गए थे जो कि फूलों से बनाए गए थे सेड कहते थे ग्रूम जेवी विन यांगन जेवी विनयांगन ये ग्रूम मतलब कि दुल्हे थे ब्राइड दुल्हन रानी और दुल्हन का नाम रानी था वेलू एस्टेड वेलू ने घूर करके देखा एस्टेड मीन्स घूर करके देखना डियर स्टूडेंट्स राइट इन योर कॉपी स्टेड मीन्स घूर कर देखना एट इट इंग्लिश टू लुक एट ए सब्जेक्ट और पर्सन विदाउट ब्लिंकिंग यानी अपलग किसी चीज को देखना उसे हम स्टेयर बोलते हैं वेलू स्टेयर एट बिग कार पार्क आउटसाइड वेलू जो है बाहर बड़ी बड़ी जो कारें लगी थी उन बाहर की तरफ उनको देखा वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार लैंड उनमें से एक कार जो है फूलों की माला से सजी थी एंड रोज़ेस टैप Onto it और उसके बीच बीच में गुलाब के फूल लगाए गए थे टैप्ड मीन्स लगाए गए थे बहुत सारे दूसरे फूलों के बीच में गुलाब के फूलों को सजाया गया था अच्छी तरीके से द गर्ल लुकड अराउंड लड़की अपने चारों तरफ देखी पुल्ड वन ऑफ क्विकली और उनमें से एक गुलाब को काफ़ी तेजी से खींची एंड एस्टक इट इन हर हेयर और उस फूल को अपने बालों में लगा लिया स्टूडेंट दिस सेंटेंस चाइल्डिश विलिंग्स अबाउट द फ्लावर्स लव्स हाउ द गर्ल पिक दू रोज फ्लावर्स एंड सी स्टक दैट फ्लावर इन हर हेयर कम ऑन आओ शी शेड उसने कहा आर वी गोइंग टू इटियर क्या हम लोग यहाँ खाने जा रहे हैं आस्ट वेलू वेलू ने पूछा लुकिंग एट दूज हॉल एंड द पीपल इन साइड वो उस बड़े से हॉल को देखते हुए तथा उस हॉल के अंदर के लोगों को देखते हुए पूछा क्या हम लोग यहाँ खाना खाने जा रहे हैं सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग To last today's online video here, and I will continue your further lecture in the next video. So thank you. Have a nice day.